चैन रूल क्या है देखो ध्यान से। मान लो अगर y इक्वल टू एफ एक्स डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया हुआ है, हम लोग जैसे डायरेक्ट फंक्शन है साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन मान लो कि आपको डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया हुआ है, समथिंग दे दिया लाइक साइन स्क्वायर एक्स या दे दिया आपको एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स या आपको दे दिया एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। मतलब कि आपको डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, आप ध्यान दो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हो, वाई इक्वल टू साइन एक्स का भी जानते हो, लॉग एक्स का भी जानते हो, लेकिन ये देख रहे हो हाइब्रिड कर दिया, दो दो फंक्शन को मिक्स कर दिया है ना, यहाँ पर दो फंक्शन क्या किया कंबाइन कर दिया, तो हाउ टू डिफरेंशिएट सच फंक्शन, क्योंकि आपके फिजिक्स में ऐसे ऐसे फंक्शन आएंगे। तो ध्यान दो, हम लोग बोलते हैं कि इस केसेस में, ऐसे केस में हम लोग dy by dx इक्वल टू बोलते हैं dy by du इंटू du by dv इंटू dv by dx। मतलब कि एक चैन, दो चैन, तीन चैन, जितना चैन आप बना सकते हो, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन कि हाउ मच स्टेप्स नीडेड टू सॉल्व द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर समझो, ये हो सकता है दो चैन में ही यहाँ पर वाइंड अप हो जाए dy by du इंटू du by dx, अगर दो स्टेप में ही ख़त्म हो जाता है तो। हाँ नहीं, वही करूँ कि अगर दो स्टेप में वाइंडेबल है ख़त्म करने आप, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर dy by du होगा और du by dx होगा, दो स्टेप में ही आ जाएगा आंसर। लेकिन कुछ कुछ केसेस रहेंगे कि तीन स्टेप आप खोलेंगे, तीन तीन बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो वहाँ पर आप लिख सकते हो dy by du du by dv into dv by dx। क्योंकि ध्यान से देखो ये dy by dx ही क्यों है, क्योंकि यहाँ से du du क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ से dv dv क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या dy और नीचे dx, तो सेम चीज़ बचेगा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकलाइज करो, देखो कैसे बनता है। हम पहला एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना, ये तो है। तो ध्यान दो, अगर यहाँ पर कुछ x रहता तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें पता है कितना होता है 2x है ना, और अगर केवल साइन एक्स रहता तो साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन पता है, वो क्या था कॉस एक्स, लेकिन ये x के जगह साइन एक्स चला गया। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अगर हम लोग मान के चलें तो यहाँ x के जगह साइन एक्स बैठ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट साइन एक्स इक्वल टू यू, इसको मैं u मान लेता हूँ, तो y कितना हो गया बताओ, यू स्क्वायर होगा, हमने साइन एक्स यहाँ पर था उसके जगह पर u पुट कर दिया, तो साइन एक्स का स्क्वायर था ये हो जाएगा क्या u का स्क्वायर, क्लियर है। अब ध्यान से दो, आपके पास दो फंक्शन बन गया u इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू u स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन वी नो, हम लोग साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन जानते हैं और u स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो अब क्या करते हैं यहाँ से लिख लेंगे dy by du कितना होगा बताओ, dy by du कितना हो जाएगा 2u, लेकिन हमको तो dy by du नहीं चाहिए था, यहाँ पर u है इसको डिफरेंशिएट कर लो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो du by dx कितना हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हमको चाहिए था dy by dx, तो कैन वी राइट लाइक इरेजर कहाँ गया, ठीक है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो ध्यान दो dy by dx को हम लोग लिख सकते हैं dy by du इंटू du by dx, लिख सकते हैं du du यहाँ कैंसिल हो जाएगा dy by dx बचेगा। अब देखो dy by du क्या है, dy by du इज 2u, 2u एंड du by dx इज cos x, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में तो u नहीं दिया हुआ था, u हमने क्या किया था एज्यूम किया था, तो यहाँ से u को हटाना भी होगा, तो u कितना था हमारा बताओ, u इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कोई फॉर्मूला पढ़े थे ऐसा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका था, साइन 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x। मतलब कि आप y इक्वल टू साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा साइन 2x। ध्यान देना बच्चे इसको कन्फ्यूज क्या होते हैं कि इट वॉज नथिंग बट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, साइन साइन ही रह गया, ऐसा नहीं हुआ। और इवन बहुत सारे टीचर भी यही पढ़ाते हैं इसको, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि ये नहीं हुआ है, ये फॉर्चुनेसी कहो कि साइन स्क्वायर एक्स को हमने चैन रूल पर किया और ये साइन 2x आ जा रहा है,
आ रही बात समझ में? बट दैट वॉज नॉट द वे ऑफ डिफ्रेंशिएशन. ऐसा नहीं कि साइन को हमने छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करके टू एक्स लिख दिया. नो. हाँ वही तो बताया ना, ये इनडायरेक्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है. जैसे आपके पास जो हमने पिछले क्लास में बेसिक फार्मूला देखे थे, उतने ही फार्मूला अवेलेबल है डिफ्रेंशिएशन में, उतने ही फार्मूला है. अब उसके अलावा जितने भी हैं वो आपको या तो चैन रूल से, मैक्सिमम 99% जो क्वेश्चन होगा आपको चैन रूल से ही बनेगा. अब चैन रूल में आगे जाकर क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल भी, ठीक है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको चैन रूल से बनेंगे. आई बात समझ में? तो जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स दिया था, तो इसको समझने का तरीका, अगर यहाँ पर साइन एक्स न रह करके एक्स रहता तो ये एक्स स्क्वायर फंक्शन बनता, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है 2x. और अगर ये यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स न रह करके केवल साइन एक्स रहता, उसका भी डिफ्रेंशिएशन पता है, कॉस एक्स. लेकिन ये क्या है कि एक्स स्क्वायर की जगह साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो हम क्या करेंगे, इसको यू मान लिए, एक्स न मान के यू मान लिए, क्योंकि एक्स ऑलरेडी फंक्शन यूज था, ठीक है. तो हमने साइन एक्स इज इक्वल टू यू लिखा, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर. तो डी वाई बाई डी यहाँ से निकाल लिए, और डी यू बाई डी एक्स भी निकाल लिए. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम यू विल गेट व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स. तो हमारा ये आ गया, चलो लिख लो. अब अगला एग्जाम्पल लिख लो, y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स. फिर से ध्यान दो, अगर y इक्वल टू लॉग एक्स रहता तो डिफ्रेंशिएशन करना आसान था. थोड़ा सोच के देखो, y इक्वल टू लॉग एक्स रहता तो डिफ्रेंशिएशन करना आसान था, या y इक्वल टू साइन एक्स भी रहता तो भी डिफ्रेंशिएशन करना आसान था, नहीं. लेकिन ये दोनों को मिक्स कर दिया, फिर से हाइब्रिड बना दिया. तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करोगे, थोड़ा सोच के देखो, लेट साइन एक्स इक्वल टू यू, तो y कितना हो जाएगा, log u. अब x की जगह u आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है, तो यहाँ से du by dx क्या हो जाएगा, du by dx क्या होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x. और यहाँ से dy by du कर दो, तो log log x का डिफ्रेंशिएशन 1 by x, तो log u का 1 by sin x. अब फिर से हमें निकालना था dy by dx, तो क्या करेंगे, dy by dx is equal to dy by du into du by dx. तो देख लो, इन सारे क्वेश्चन जो हमने अभी एग्जांपल लिए थे उसमें क्या है कि दो स्टेप में फंक्शन सोल्व हो पा रहा है, हमें दो स्टेप से ज़्यादा इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. तो अब हो जाएगा dy by du हो गया कहाँ रहे, ये है 1 by u, तो 1 by u into du by dx is cos x. अब u का वैल्यू कितना था, साइन x, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन x, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy by dx. दिस इज योर आंसर, क्लियर है, चलो लिख लो. y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर, तीसरा एग्जांपल ये था. तो फिर से ध्यान दो, e के पावर x रहता तो हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लेते, और x स्क्वायर एलोन भी आता तो उसको भी देख लेते, है ना. लेकिन ये e के पावर पर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट x स्क्वायर इक्वल टू u मान लेते हैं, नहीं, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और y क्या हो जाएगा, e के पावर u, ये भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएशन आपको आती है. du by dx कितना होगा बताओ, 2x, अभी तुरंत हम लोग देखे, और e टू द पावर x का क्या होता है, dy बाई डी यू करोगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर u, सेम ही रहता है, नो चेंज, तो dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई विच इज इक्वल टू e टू द पावर u इंटू 2x, e टू द पावर u, u हमारा x स्क्वायर था, तो e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x, तो हो जाएगा 2x e टू द पावर x स्क्वायर. चलो लिख लो, समझ में आया, आया समझ में, सिंपल था, चलो करो. तो ध्यान दो, अभी तक हम लोग चल रहे थे टू स्टेज चैन रूल, आपका चैन दो ही चैन बन रहा था, ठीक है. नाउ देयर कैन बी थ्री स्टेज चैन रूल, फोर स्टेज चैन रूल. हाँ, हम लोग dy by du into du by dx,
दो ही स्टेज में बन रहा चैन बन रहा था, दो ही लिंक बन रहे थे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे रहेंगे जिसमें तीन तीन स्टेजेज आएंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें चार पाँच छः, मतलब कि आप जितना चाह सकते हो वो डिपेंडिंग अपन द क्वेश्चन स्टेजेज में इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ, तो क्वेश्चन जैसे उस पर, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने दे दिया आपको y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स क्यूब, अब इसको कैसे बनाओगे? तो ध्यान देना, पहले हम लोग साइन एक्स क्यूब को कुछ मान लेते हैं, लेट साइन एक्स क्यूब इज इक्वल टू यू। तो अब वाई हमारा बड़ा सिंपल हो गया क्या, लॉग ऑफ यू, नहीं ये पूरे फंक्शन को हमने यू मान लिया, तो लॉग ऑफ यू, वेरी सिंपल। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना आसान है, डी वाई बाई डी यू कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा, वन बाई यू। वाह, आसान था। लेकिन फिर से ध्यान दो, क्या u का x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि साइन x का जानते हैं और x क्यूब का भी जानते हैं, लेकिन ये कंबाइंड हो गया फिर से। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको फिर से लेके आओ, लेट x क्यूब इक्वल टू v, समझो ध्यान से, x क्यूब को मैंने v मान लिया, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है। और इसका u हमारा कितना हो गया, u कितना हो जाएगा, साइन ऑफ v, नहीं हमने एक्स क्यूब को यू मान लिया, एक्स क्यूब को वी मान लिया, तो एक्स क्यूब जहाँ पर था उसको वी कर दो, तो साइन ऑफ वी दैट इज यू, यू इक्वल टू साइन ऑफ वी हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, एक्स क्यूब का भी डिफरेंशिएशन हमें आता है और साइन वी का भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, नहीं तो अब यहाँ पर कर दो, ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, कितना होगा, थ्री एक्स टू द पावर थ्री माइनस वन विच इज थ्री एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा डी यू बाई डी वी, कितना आ जाएगा, कॉस वी। अब हमें कहीं पर एंड फंक्शन तक हम लोग आ चुके हैं, अब ध्यान दो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखोगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई, ये तो तीन हमने फंक्शन लिया है ना, तो यहाँ देख लो तीन चैन बन गया, dy by du कितना था, 1 by u, 1 by u, du by dv कितना था, कहाँ गया भाई, du 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 by dv cos v, into dv by dx कहाँ है, तो ये हो जाएगा 1 by u, 1 by u, u कहाँ गया रे भाई, u क्या था हमारा, u ये था, तो ये हो जाएगा 1 by sin of x cube into cos v, cos और v क्या है, एक्स क्यूब, तो कॉस एक्स क्यूब इंटू, तो ये हो जाएगा कॉस बाई साइन कितना होगा, कॉट, तो थ्री एक्स स्क्वायर कॉट ऑफ, हो गया आंसर, आई बात समझ में, थोड़ा थोड़ा क्लिक कर रहा है। हमको बस माइंड में रखना है कि हम बेसिक फंक्शन क्या जानते हैं, व्हाट आर द बेसिक फॉर्मूलाज, हमें उस फॉर्मूला पर बाई हुक और क्रूक पहुंचना है, दैट्स ऑल। हमने जो पांच छह आपको फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के लिखवाए थे, आपको डिफरेंशिएशन का बेस वही है, रेस्ट ऑल फंक्शंस कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन दैट बेस ओनली, इज इट ओके, कर लोगे, चलो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू tan root log x, कैसे बनाओगे, log x का पावर 1 बाय 4, हे रुको, हाँ ठीक है का, हाँ तो ध्यान दो फिर से क्या करोगे, लेट root over tan x इज सॉरी log x इज u, तो अब हमारा y बड़ा सिंपल फंक्शन हो गया क्या, tan ऑफ u, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ से डी वाई बाई डी यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर u, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन ध्यान दो अभी भी u का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट log x इज इक्वल टू v, तो u कितना हो जाएगा, रूट ओवर v, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चैन रूल से कर दो, du by dv कितना होगा बताओ,
पावर कितना है हाफ, तो 1/2 v^2 1 मतलब कि 1/2 v^2 1/2 विच इज 1/2 √v। ठीक है, और यहाँ से dv/dx निकाल लो कितना हो जाएगा बताओ, 1/x। अब कंबाइन कर लो तीनों को, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy/du (du/dv) (dv/dx। तो dy/du कहाँ गया है, dy/du यहाँ है, sec²u, तो sec²u मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ √log(x), ठीक है, इंटू du/dv 1/2 √v 1/2 √v, भी कितना था log(x) इंटू 1/x। तो ये हो जाएगा आपको sec²√log(x) (2x√log(x)। मजा आ रहा है ना, चलो एक जनरल रूल है, चैन रूल का ही कह सकते भाई है, ठीक है, ये बोलता है कि अगर y = f(x) है एंड dy/dx को लिखने का एक तरीका होता है f'(x), यहाँ डैश दे दिया मतलब कि डिफरेंशिएशन हो गया, डैश दिया मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। तो अगर y को x को अगर हम रिप्लेस कर दें ax + b से, ध्यान देना ax² नहीं हो सकता, ax³ नहीं हो सकता, a√x नहीं हो सकता, ये लीनियर फंक्शन होगा x का, ax + b, तब बोलता है कि dy/dx इफ लगा दो देन dy/dx यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा a(f′ax + b), a आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहो कि सर कैसे, देखते हैं कैसे, y हमको दिया था, ध्यान दो अगर f(x) देख देता तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लेते हम लोग, डायरेक्ट फंक्शन रहता तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब मान लो कि लेट ax + b = u मान लो, तो y = क्या हो जाएगा fu एंड du/dx क्या हो जाएगा, du/dx क्या हो जाएगा, b तो कांस्टेंट है, a(x) का डिफरेंशिएशन 1 × x^1 - 1 विच इज क्या, अरे b कांस्टेंट है ना, उसका डिफरेंशिएशन 0, और यहां पर a कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 × x^1 - 1 और किसी के पावर 0 मतलब 1 हो जाता है, तो यहां पर हो गया केवल a बचा। ठीक है, तो ध्यान देना dy/du मैंने निकाल लिया, सॉरी du/dx, और dy/du कितना होगा f'u, जैसे dy/dx f'x था तो dy/du क्या हो जाएगा f'u, जैसे यहाँ पर वो तो दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, तो dy/du आ गया, लेकिन हमको तो dy/du नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, तो अब इसको लिख देंगे dy/dx = dy/du (du/dx), तो du/dx कितना है a, और dy/du कितना है f'u, a(f'u) कितना था, u कितना था, तो ये ऑफ कोर्स ये फार्मूला का डेरिवेशन कहीं नहीं आता है, एडवांस लेवल में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देना, मेंस लेवल में भी कभी कभी देते हैं, लेकिन एडवांस लेवल में बहुत कॉमन है इस वैरायटी क्वेश्चन, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है, आप थोड़ा सा अगर इसको प्रैक्टिस करो ना तो इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग, बस आपको दिखना चाहिए कि हाँ भाई बस बेसिक फार्मूला पता रहना चाहिए एंड रेस्ट लिटिल बिट इमेजिनेशन, कि किसको हम इमेजिन करेंगे तो फंक्शन सिंप्लीफाई होगा, एंड दैट इज इजी टास्क फॉर अ स्टूडेंट ऑफ प्रॉपर स्टूडेंट ऑफ साइंस, दिस इज इजी टास्क। लेकिन तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन इसमें क्या होता है, फंक्शन कर दिया f(x + b) f(x²+bx+c) कर दिया, तो उसमें बच्चे थोड़ा सा सोचने में गड़बड़ा जाता है, एंड देयर फॉर फंक्शनल टाइप क्वेश्चंस, खास करके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, आप देखो इस साल इतना पूछा कि बच्चे कैलकुलस से डर गए,
इस बार मेंस में इतना ना क्वेश्चन उससे पूछ दिया है कि बच्चे प्रैक्टिकली डर गए उससे। और हमारे टाइम में भी एडवांस में देखोगे तो 3-4 क्वेश्चन पूछा था इसमें डिफ्रेंसिएशन में और इंटीग्रेशन से, सारे एफ एक्स पर थे, एफ एक्स जी एस एच एक्स ऐसे ही कर करके। वो डायरेक्ट फंक्शन आपको नहीं देंगे। हाँ, आपकी वहाँ पर बुद्धिमता किस में होगी कि वो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स लिख रहे हैं ना करके, वो ऑप्शन ही उसी के रिगार्डिंग देंगे। आप एग्जांपल ले लो, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एच एक्स इक्वल टू टेन एक्स। अब आप सोल्व कर दो, अगर इसके लिए जस्टिफाइड है तो ऑप्शन में पुट करके देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में सही जा रहा है, जो सही जा रहा है वो आंसर होगा, खत्म बात। लेकिन एडवांस खास करके उसमें वो ऐसा कॉम्प्लिकेशन डालते हैं ना कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। मेंस में इमेजिन कर लोगे, बट एडवांस में इमेजिन करना थोड़ा टफ काम होता है। बट एनीवे, ये फिर से समझ लो इसको, हमें y इक्वल टू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ था, इफ लिखा हुआ था, मतलब कि ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर y को हम लोग एफ ए एक्स प्लस बी कर दें, x की जगह ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दें, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। और ये बोल रहा है कि ये होना चाहिए। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस, कि हाउ दिस इज कमिंग। तो इसका हमने प्रूफ ले लिया, दिस इज योर प्रूफ। क्या हमने मान लिया, जैसे एफ एक्स का हमें पता था, जैसे हम लोग साइन एक्स स्क्वायर कर रहे थे तो एक्स का वहाँ पर साइन यू का पता है हमें, हम एक्स स्क्वायर को यू इमेजिन कर रहे थे। उसी तरीके से यहाँ एफ एक्स का पता है तो कह सकते एफ यू का भी पता है, कितना एफ डस यू। तो हमने ए एक्स प्लस बी को यू इमेजिन कर लिया, ए एक्स प्लस बी को यू लिया, तो वाई इक्वल होगा एफ यू एंड डी वाई बाई डी यू क्या हो जाएगा, एफ डस यू। क्लियर है यहाँ तक, वेरी सिंपल। नाउ लेकिन हमको डी वाई बाई डी यू मिला है अभी तक, हमें क्या चाहिए थे, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए डी यू बाई डी एक्स यहाँ पर मैंने कर दिया, वो आया कितना ए, बी एंड ए बोथ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, तो ए का होगा नहीं केवल एक्स का होगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 और बी का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, तो ये आ गया ए। तो चैन रूल हमने लगा दिया फिर से, यही तो था ना चैन रूल। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू हमारा कितना था, एफ डैस यू, एफ डैस यू एंड डी यू बाई डी एक्स क्या था, ए, तो ए इंटू एफ डैस यू कर दिया। अब बस यू का वैल्यू डाल दिया ए एक्स प्लस बी, तो ए इंटू एफ डैस एक्स प्लस बी। दिस इज व्हाट वाज योर फॉर्मूला, ठीक है। चलो लिख लो इसको, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन लोग बनाएंगे, बदमाशी कर रही है। तो ध्यान दो, हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, जैसे y इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3, आपको निकालना है dy by dx। फिर ले लो y इक्वल टू log ऑफ 3x प्लस रूट 5, फिर ले लो y इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस b, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब आप ध्यान दो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसकी बात करता हूँ। तो ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, लीनियर फंक्शन है, तो डायरेक्ट करना कुछ नहीं, एक्स का कोफिशेंट क्या है 2, बाहर कर दो। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का क्या होता है कॉस, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डायरेक्ट, क्या बताओ 2 इंटू कॉस 2x प्लस 3। अभी वही तो रूल पढ़े थे ना, लीनियर फंक्शन आएगा तो उसमें से जो एक्स का कोफिशेंट है बस वो बाहर आ जाएगा और बाकी फंक्शन का नॉर्मल डिफरेंशिएशन। अगर इसका डीवाई बाई डी एक्स करूँ तो फिर से ध्यान देना, रूट फाइव इज कॉन्स्टेंट, 3 इज ए कॉन्स्टेंट, ए और ये लीनियर फंक्शन दिख रहा है, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो इसको कर दो 1/3x प्लस रूट फाइव इंटू ऊपर में क्या मल्टीप्लाइड होगा 3, हो गया आंसर। यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स की बात करूँ थर्ड में, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है, तो यहाँ पर e टू द पावर x प्लस b ही रहेगा इंटू, हो गया आंसर। नहीं समझ आया, ओके, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखते हैं। इसको ध्यान देना, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ चैन रूल, सो इसको हम लोग चैन रूल से भी चल सकते हैं। लेट, समझो, लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू यू मान लो, तो डी यू बाई डी एक्स कितना हो गया बताओ 2, तो हुआ x का 1 3 का 0, मतलब 2 हो गया। अच्छा, इसको u मान लिया तो y कितना हो गया sin u, dy by du कितना हो गया, हाँ अरे आप x का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स के पावर 0, किसी का पावर 0 मतलब क्या। तो ध्यान देना dy by du क्या हो जाएगा, dy by du हो गया आपका cos u,
तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वाई बाई डी यू कितना है कॉस यू, यू हमारा एक्स प्लस बी था मतलब टू एक्स प्लस थ्री इंटू डी यू बाई डी एक्स कितना था टू, तो ये तो आ गया टू कॉस टू एक्स प्लस, तो ये तो सेम तो आया, आई बात समझ में, बाकी खुद दिमाग लगाओ, सब हमें दिमाग लगाएंगे तो तू लोग बैठे कह कर इतना दिमाग लेके अचार लगा लगे हाँ।